हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गुजरात यूनिवर्सिटी प्रवेश प्रक्रिया। अब जिस तरह से यहाँ पर गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि GTU की एडमिशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पर ACPC के थ्रू होता है, जबकि यहाँ पर कॉमर्स के मेजोरिटी कोर्स का यहाँ पर एडमिशन गुजरात यूनिवर्सिटी ही यहाँ पर डिसाइड करती है। अब यहाँ पर क्या कुछ है कि कॉमर्स प्रवेश कार्यक्रम में छबड़ो गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्रवेश प्रक्रिया में संगतता कोर्स डेट जुदा जुदा नियमों। अब यहाँ पर क्या कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर मुश्किलात पड़ रहे हैं, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा हाल UG और PG ना विविध अभ्यासक्रमों में ऑनलाइन स्टैंडर्डाइज प्रवेश प्रक्रिया शुरू करी देवाई छे, परंतु जुदा जुदा कोर्स प्रमाण जुदी जुदी प्रवेश प्रक्रिया और जुदा जुदा नियमों थी विसंगतता और मूंझवणों उभी थई छे। पीजी साइंस तेमज यूजी साइंस ने प्रवेश प्रक्रिया में ओछा विद्यार्थियों ओछी बैठकों होवा छता मॉक राउंड एटले के प्रेक्टिस राउंड माटे चॉइस फिलिंग नो समय अपायो छे, ज्यारे बीजी बाजु यूजी कॉमर्स में सौथी वधु बैठकों अने सौथी वधु विद्यार्थी होवा छता पण मॉक राउंड प्रेक्टिस चॉइस फिलिंग वगर ज सीधो प्रवेश आपी देवानो निर्णय करायेलो छे, जे मुजब प्रवेश कार्यक्रम पण जाहेर करी देवामां आव्यो छे। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रोसेस चल रहा है ये चल रहा है पीजी और यूजी के बीच में। अब यहाँ पर यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि यहाँ पर होते हैं आपके बैचलर के कोर्स। पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पीजी में क्या होता है कि आप अपने बैचलर करके मास्टर करने जा रहे हो, तो इस टाइम यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से यहाँ पर प्रवेश का पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर पीजी के अंदर इन लोगों ने मॉक राउंड का इंट्रोड्यूस करवाया है, मतलब पीजी के अंदर स्टूडेंट्स कम है फिर भी यहाँ पर मॉक राउंड आपको देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर अगर हम यूजी की बात करें अंडर ग्रेजुएशन की, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जस्ट रिसेंटली पास आउट होते हैं, जस्ट यहाँ पर स्कूल से बाहर निकले होते हैं और यहाँ पर उन लोगों को मॉक राउंड नहीं दिया है। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, पीजी ने 2500 बैठकों माटे मॉक राउंड, पण यूजी कॉमर्स ने 40,000 बैठकों माटे मॉक राउंड वगैरह सीधो प्रवेश। तो ये आप जहां पर सोच सकते हो कि सिर्फ 2500 स्टूडेंट्स है पोस्ट ग्रेजुएशन के, कि जो ऑलरेडी इन लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है कि प्रवेश प्रक्रिया किस तरह से होती है, उन लोगों के लिए यहाँ पर मॉक राउंड की व्यवस्था की गई है। बट जबकि यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन के कॉमर्स के जो कोर्स है जहाँ पर 40,000 सीट्स है, उसके लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मॉक राउंड की व्यवस्था नहीं की गई है। गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा विविध कोर्स में हाल प्रवेश कार्यक्रम जाहिर करी देवाया छे अने रजिस्ट्रेशन पण शुरू करी देवाया छे, जेमा पीजी साइंस एटले के MSc में 2500 बैठकों माटे जाहिर करायेलो प्रवेश कार्यक्रम में विद्यार्थीओना प्रेक्टिस माटे चॉइस फिलिंग नो समय अपायो छे अने मॉक राउंड बाद चॉइस फेरबदली नो पण समय आपवामां आव्यो छे अने त्यारबाद फाइनल सीट अलॉटमेंट थनार छे। उपरांत BSc में पण 14,000 बैठकों माटे प्रवेश प्रक्रिया माटे विद्यार्थियों ने प्रेक्टिस नो चॉइस फिलिंग नो समय अपायो छे अने मॉक राउंड एटले के हंगामी सीट अलॉटमेंट बाद फरी फाइनल चॉइस फिलिंग फेरबदली ने आधारे समय अपायो छे, जेना आधारे फाइनल सीट अलॉटमेंट थशे। उपरांत BA आर्ट्स नी प्रवेश प्रक्रिया में पण मॉक राउंड प्रेक्टिस राउंड चॉइस फिलिंग माटे नो समय अपायो छे अने त्यारबाद फाइनल सीट अलॉटमेंट थनार छे। परंतु UG कॉमर्स एटले के BCOM, BBA, BCA सहितना कॉमर्स में सौथी वधु विद्यार्थियों ने सौथी वधु बैठक होवा छता पण मॉक राउंड प्रेक्टिस चॉइस फिलिंग वगर ज सीधो प्रवेश फाड़वामां आवनार छे। हाल जाहिर करायेला प्रवेश कार्यक्रम में मॉक राउंड अपायो ज नथी। एंजीनियरिंग, फार्मसी सहितना कोर्स में विद्यार्थियों माटे प्रेक्टिस नो मॉक राउंड आपवामां आवे छे, परंतु कॉमर्स में आ वर्षे एक मॉक राउंड वगर ज फाइनल प्रवेश नो निर्णय लेवायो छे। आम एक ज यूनिवर्सिटी में जुदा जुदा कोर्स में जुदा जुदा प्रवेश नियमोनी विसंगतताथी विद्यार्थियों माटे मुश्किली पण मूंझवणमां मुकायेल छे अने तेना माटे मुश्किली उभी थयेल छे। अब यहाँ पर कौन कौन से कोर्स है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि BSc का एक यहाँ पर कोर्स देख सकते हो कि BSc का जो कोर्स है इसके अंदर यहाँ पर आपको जो दिया गया है मॉक राउंड का टाइम, और इसके अलावा यहाँ पर BSc हो गया और उसके बाद यहाँ पर कौन सी थी दूसरी, यहाँ पर एक और ब्रांच थी BSc सीट अलॉटमेंट, तो BSc, हाँ BSc के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि BSc में है और इसके अलावा BA आर्ट्स के भी अंदर भी है, बट यहाँ पर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एडमिशन होते हैं वो ब्रांच होती है यहाँ पर BCOM, BBA, उन सभी में यहाँ पर मॉक राउंड की व्यवस्था ही नहीं की गई है। तो आप क्या कुछ सोचते हो, आपको इससे क्या कुछ मतलब तकलीफ है, आपके क्या थॉट्स प्रोसेस है, ज़रूर से नीचे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय।